सभी केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा को लेकर कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया ताजा आदेश। दोस्तों 29 अगस्त 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा के संबंध में DOPT के द्वारा ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। जब से एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है, केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा चाहे वो LDC के लिए हो, HTC के लिए हो या फिर ऑफिशियल जर्नी के लिए, इसके संबंध में DOPT के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। तो इसी कड़ी में यह आदेश महत्वपूर्ण जारी किया गया है। नए दिशा निर्देश केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा को लेकर जारी किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन कौन से नए दिशा निर्देश DOPT के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर नए दिशा निर्देशों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को सभी प्रकार की हवाई यात्रा के लिए, चाहे वो LTC हो या HTC, इनके लिए जो टिकट्स हैं वो 3 ऑथोराइज्ड एजेंट यानी कि MS बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड BLCL, उसके बाद में अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC, यानी इन तीनों ही एजेंटों के थ्रू अब केंद्रीय कर्मचारियों को LTC और HTC के टिकट बुक कराने हैं। उसके बाद में ये भी कहा, आगे बताया गया है कि द चॉइस ऑफ द ट्रेवल एजेंट फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स फ्रॉम द 3 ऑथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स इज लेफ्ट ओपन टू द मिनिस्ट्री और बार डिपार्टमेंट एंड द ऑफिशियल इन केस ऑफ सेल्फ बुकिंग बेस्ड ऑन कन्वेंस एंड सर्विस क्वालिटी। नो एजेंसी चार्जेज कन्वेंस फीस विल बी पेड टू दीज ATAs, यानी कि किस एजेंट से बुक करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये केंद्रीय कर्मचारी और संबंधित डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि किसी भी इन तीनों में से एक एजेंट के थ्रू टिकट केंद्रीय कर्मचारी खुद बुक कर सकता है या अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी बुक करा सकता है। इसके अलावा ये जो एजेंसी हैं इनको किसी प्रकार के चार्जेज या फिर कन्वेंस फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर टू चूज फ्लाइट हैविंग द बेस्ट अवेलेबल फेयर ऑन देयर एंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास विच इज द चीपेस्ट फेयर, यानी कि जब उन्हें यात्रा करनी है उस समय पर जो भी सबसे सस्ता किराया है सबसे सस्ते किराए वाली फ्लाइट है वो यहाँ पर कर्मचारियों को बुक करनी है। उसके बाद में प्रेफरेबली फॉर नॉन स्टॉप फ्लाइट इन ए गिवन स्लॉट मेंशनड बिलो एट द टाइम ऑफ बुकिंग दे आर टू रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ द कंसर्न वेब पेज ऑफ द ATAs हैविंग फ्लाइट एंड फेयर डिटेल्स फॉर द पर्पज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ LTC क्लेम, यानी कि जब यदि केंद्रीय कर्मचारी टिकट बुक कर रहा है उस समय पर जो सबसे चीपेस्ट फेयर है उससे कहीं फ्लाइट ऐसे बुक करना है और इसके लिए यानी कि इसका प्रूफ दिखाने के लिए जो वेब पेज आपके सामने खुला हुआ है उसका प्रिंट आउट भी केंद्रीय कर्मचारियों को रखना होगा। यदि ऐसा कर्मचारी नहीं करता है तो हो सकता है कि उसके LTC रिइंबर्समेंट को लटका दिया जाए, देर यहाँ पर कर दी जाए, ये एश्योर करने के लिए कि आपने सबसे सस्ता जो टिकट था वो ही बुक किया है। लेकिन टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर 3 आवर्स का स्लॉट भी दे दिया गया है कि मान लीजिए कि आप रात को 12 बजे के बाद से लेकर 3 बजे के बीच में टिकट बुक करना चाहते हैं तो उस बीच में जो भी सबसे सस्ता फ्लाइट है वो आपको बुक करना होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको सुबह 3 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में जर्नी करनी है तो इन 3 घंटों के बीच में जो भी सबसे कम फेयर वाली फ्लाइट होगी वो आपको बुक करनी है। तो इस तरीके से 3 घंटे का स्लैब यहाँ पर बना दिया गया है, स्लॉट यहाँ पर बना दिया गया है, टाइम बैंड यहाँ पर सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं। इन टाइम बैंडों के बीच में ही कर्मचारियों को टिकट बुक करना होगा और इन आवर्स के बीच में जो भी सस्ती फ्लाइट है वो यहाँ पर कर्मचारियों को बुक करनी होगी। तो इस तरीके से ये टाइम बैंड सरकार के द्वारा फिक्स कर दी गई है। साथ में आपको वेब पेज का प्रिंट आउट रखने का भी निर्देश दिया गया है। उसके बाद में ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो फेयर है उसमें 10% का जो प्राइस बैंड है, 10% का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप 3 बजे का फ्लाइट बुक कर रहे हैं, 3 बजे का जो फ्लाइट है वो आपको 5,000 रुपये का होता है। यदि आपको 4 बजे जाना है तो मान लीजिए कि 4 बजे की जो फ्लाइट है उसमें
और 3 बजे की फ्लाइट में प्राइस का डिफरेंस 10% के बीच में है, तो आप 4 बजे वाली फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉयज आर इनकरेज्ड टू बुक फ्लाइट टिकट एट लीस्ट 21 डेज प्रायर टू द इंटरनेट डेट ऑफ ट्रेवल ऑन LTC टू अवेल द मोस्ट कम्पिटिटिव फेयर्स एंड मिनिमाइज बर्डन ऑन द एक्सचेकर। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों से ये यहाँ पर अनुरोध किया गया है कि वो अपनी यात्रा के 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करें जिससे उन्हें सस्ता फेयर उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद में ये भी कहा गया कि कर्मचारी को अननेसेसरी कैंसिलेशन है उससे भी बचना चाहिए, और ख़ास तौर से जो यात्रा करने के 24 आवर्स से पहले के जो टिकट हैं 24 आवर्स से पहले कैंसिलेशन से बचना चाहिए, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो ATAs हैं वो किसी भी प्रकार का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो कर्मचारी से वसूल नहीं करेंगे, और यदि किसी वजह से कर्मचारी से कैंसिलेशन चार्ज वसूल कर लिया गया है तो उसका रिइंबर्समेंट भी उसको कर दिया जाएगा। उसके बाद में एम्प्लॉयज शुड प्रेफरेबली बुक ओनली 1 टिकट फॉर ईच लेग ऑफ इंटेंडेड ट्रेवल ऑन LTC। होल्डिंग फॉर मोर देन 1 टिकट इज नॉट अलाउड। यानी कि यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको एक ही टिकट बुक करना है, ये नहीं कि आप एक से ज़्यादा टिकट बुक कर लें। यदि आप एक से ज़्यादा टिकट बुक करते हैं तो हो सकता है आपके LTC क्लेम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो टिकट्स हैं वो ऑफिस के द्वारा भी अरेंज कराए जा सकते हैं, या फिर कर्मचारी खुद इन तीनों ही ऑथराइज एजेंट के जो वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है, उनके द्वारा भी टिकट बुक करा सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी को उनकी जो ऑफिशियल ID है उस ऑफिशियल ID के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन इन तीनों ही जो ऑथराइज एजेंट है उनकी वेबसाइट पर करना है, और उसके बाद में वो खुद भी अपना टिकट कर सकते हैं। उसके बाद में यदि किसी भी वजह से कर्मचारी को किसी प्राइवेट या फिर अनऑथराइज एजेंट से टिकट बुक करना पड़ता है या फिर वो करा लिया है तो इसकी रियायत यहाँ पर दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो संबंधित अधिकारी है उसकी अनुमति लेना जरूरी है। यदि जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पर एग्री होता है तो ही ऐसे मामलों में कर्मचारी को रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो माइलेज पॉइंट्स हैं वो भी किसी प्रकार के नहीं दिए जाएंगे इन जर्नियों के लिए। फिर यहाँ पर बात आती है कि जो एडवांसेस हैं किस तरीके से दिए जाएंगे, तो एडवांस भी यहाँ पर कर्मचारी यात्रा के 30 दिन पहले ले सकता है, यानी कि आप जब यात्रा करने वाले हैं उससे 30 दिन पहले ही आप एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडवांस अप्लाई करने के लिए जो भी एजेंट से आप टिकट बुक कर रहे हैं उसकी फ़्लाइट, कौन सी फ़्लाइट आप बुक कर रहे हैं उस फ्लाइट का जो भी फेयर है उसका यानी कि एडवांस आपको कर दिया जाएगा मौजूदा नियमों के अनुसार। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश केंद्रीय कर्मचारियों की हवाई यात्रा को लेकर DOPT के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemployeescorner.net को चेक करें, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।